हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल दुनिया सबा। तो अभी तैयारी हो रही है, अपनी भाभी के बर्थडे का केक बना रही हूँ, यानी मैं उन्हें एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, ऐसे ही छोटा मोटा। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो शाम को यहाँ आए, तो मैंने इसीलिए ऐसे ही घर पे ही ये बनाने की कोशिश करी थी। ये मैंने टाइगर वाले बिस्किट्स लिए थे, ये मैंने 6 पैकेट्स लिए थे। तो और मेरे घर में इस वक्त एक मेहमान आए हुए हैं, ये देखिए। से हेलो बोलो, इतने दिनों बाद सबको नजर आई हो। आज फ्री हो के आई हूं। मेरी दूसरी नंद को दिखा दो उसमें, ये देखिए। से हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो, हाथ से हाथ से। तो देखा आपने, ये मेरी दूसरी नंद है, यानी मेरी संध्या की सिस्टर है, नागालैंड में है। तो वहीं से आप लोगों को हेलो बोल रही है। तो बस अभी हम लोग ने यहाँ पे घर पे ही केक बनाने की तैयारी की। मैंने बिस्किट्स के पैकेट मंगाए हैं, और क्योंकि बेकिंग सोडा नहीं था मेरे पास, तो मैंने इनो का पैकेट ले लिया है। 1 इनो का पैकेट है, जो मैंने मिक्सर में सारे मतलब जितने बिस्किट्स थे सबको डाल दिया था, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया था, उसके बाद एक इनो का पैकेट ऐड कर दिया, थोड़ी शुगर ऐड कर दी, और मैंने मिक्सी ऑन कर दी। उसके बाद मैंने एक थोड़ा सा थिक, मतलब थिकनेस थिक थोड़ा सा इसका स्टार्ट कर लिया, बना लिया। यानी बस अब इसके बाद हम इसको अवन को प्रीहीट करेंगे, और प्रीहीट करने के बाद इसको बेक करेंगे। तो आज हो सकता है मैं घर भी भिजवा दूं, क्योंकि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो घर भी भिजवा सकती हूं। अगर मेरी भाभी आ जाएंगी तो मैं उन्हें ये सरप्राइज़ में दूंगी, क्योंकि माशाल्लाह आज हमारी भाभी का जन्मदिन है, तो ये बहुत अच्छा दिन है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना घर पे ट्राई किया जाए, ये मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, तो आई होप अच्छा बने, देखते हैं कैसा बनेगा। अभी फ़िलहाल संध्या जी बाहर बैठी हैं, अपनी बहन से बातें शातें कर रही हैं। तो चलिए मेरे साथ कर ली बातें। तो ये जनाब इतने दिनों बाद मेरे घर में आई हैं, इनको घूमने से फुर्सत नहीं है, ये घूमा करती हैं सबके साथ, घूमा करती हैं, यानी सबके साथ मीन्स अपने नेबर्स के साथ, सबके साथ, वो सबके साथ नहीं, नेबर्स के साथ। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे केक का मैंने तैयार किया है। बस यहाँ पर देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। मैंने इसमें दूध मिल्क 1 कप लिया था, और 6 बिस्किट्स थे, और इसमें मैंने इनो 1 पैकेट को इसको मिक्सर में पीस लिया था। अब देखिए ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है, बस इसे मैं थोड़ी देर रख दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी इसको, बेक करूँगी। बोल रही हो, ला में लाओ, बोलो बोलो बोलो, पोरो पोरो नागा मिसो कुयु गाजे नागा मिसो कुयु कल 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 है ना। आपने तो फुगा फुगा उले भी सबा दो पाल में ना पूरे खाली नीचे ला पैसे सबा कुड़ी ना, सबा कुड़ी ना क्या कहा भाई, इनकी भाषा तो मेरे सर से ऊपर जाती है। ये दोनों बहनें पता नहीं क्या बोला करती हैं, मेरी बुराइयां किया करती हैं, और मैं समझ भी नहीं पाती हूँ। सही पकड़ी है, बुराइयां ही कर रहे थे हम लोग। तो अब हमने थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया है, ताकि जितना अच्छा हम रेस्ट देंगे केक को, तो ना उतना अच्छा ये बन के आई होप तैयार होगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो सोच रही हूँ अच्छा बन जाए। ये जा रही हैं, देखिए ये इतनी बुरी इंसान हो गई है, यानी अब ये इन्हें मुझसे ज़्यादा औरों से मोहब्बत हो गई है, इनकी शादी होने वाली है। मैं आपको इनकी शादी का पूरा वीडियो दिखाऊंगी, देखिए। मेरे लिए लड़का ढूंढ दीजिए। हाँ, इनके लिए कोई लड़का ढूंढिए, बताओ कैसा, क्या क्या उसमें टैलेंट होना चाहिए। बियर्ड होना चाहिए बस, बियर्ड मतलब उसकी दाढ़ी होनी चाहिए, और कोई
तो तुम्हारे बकरा लिया है, दाढ़ी होनी चाहिए, कुछ और भी तो कहो, कुछ अच्छा, मतलब पढ़ाई में अमीर होना चाहिए कि नहीं? नहीं, दिल का अमीर होना चाहिए। पैसे वाला चाहिए? नहीं, मुझको ऐसा हाई फाई घर जमाई चाहिए। नहीं, घर जमाई भी नहीं चाहिए इसको, ना घर जमाई चाहिए है इसको, बियर्ड वाला चाहिए। चाहे आपकी नजरों में कोई भी बियर्ड वाला हो, इन्हें लाकर दे दीजिएगा। वैसे देखिए मेरी संध्या कितनी खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है, डिंपल पड़ते हैं, और डिंपल तो जिस लड़की के पड़ते हैं तो आप समझ जाइए वो लड़की कितनी नसीब वाली होगी। सही बात है, झूठी तारीफ कर लो। ये देखिए डिंपल, गड्ढे दुबली बहुत है ना, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो टाइम दिन भर का आज मेरा ऐसे ही चला गया। मैंने पूरी तरह से आपको बेकिंग, मतलब पूरा प्रोसीजर केक का नहीं दिखा पाई, क्योंकि संध्या बैठी थी, मैं इससे बातें शाते कर रही थी, और बातें शाते करते करते मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो मैंने सोचा क्यों ना अब जब मैंने पीस लिया, यानी उसको मिक्सर में मिक्स कर लिया, तब मैंने सोचा चलिए आपको दिखाते हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा, इंशाल्लाह आगे भी मैं ब्लॉग में आगे का भी आपको दिखाऊँगी। तो अभी बेकिंग ट्रे में अभी से डाल दिया है। अब मैंने अवन को प्रीहीट कर दिया था 180 सेल्सियस डिग्री पर, मैंने 15 मिनट के लिए इसे प्रीहीट किया था। तो बस अब मैं जब ये प्रीहीट हो जाएगा, इसमें मैं केक को रख दूंगी, और मायरा सॉरी इफ़ा यहाँ पर डांस में लगी हुई हैं, गाना बज रहा था और इफ़ा उचके जा रही थी। माशाल्लाह सब घर पे आए हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा था कि शायद नेहा लोग ना आए, लेकिन मेरी सिस्टर आई थी तो इस वजह से वो भी साथ में आ गई। तो बस अब हमारा देखिए यहाँ पर केक तैयार है। ये इसको अभी ये निकालने में दिक्कत ना आए, संध्या खा के बताएगी कैसा बना है। तो बस देखिए यहाँ पर मेरा ये केक तैयार हो गया है। देखिए अब मैं इसे निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ इसके नीचे जब ऑयल थोड़ा सा लगा दिया था, या बटर आप लगा सकते हो। तो मेरा देखिए ये मेरे पास क्योंकि बेक करने के लिए कुछ था नहीं, मतलब तो मैंने ऐसे ट्रे में कर दिया था, बट बहुत स्पॉन्जी बना था। मैं यहाँ पर चॉकलेट से इसका गार्निश कर रही हूँ, आप चाहें तो जेम्स से या किसी और भी चीज़ से, वाइट चॉकलेट से। यहाँ पर मैंने शुगर को मिक्स कर लिया था, तो उससे मैं इससे इसका डेकोरेशन कर रही हूँ। एन बना रही हूँ, यानी अपनी भाभी के नाम का अल्फ़ाबेट जो है वो एन से है, तो हैप्पी बर्थडे लिख रही हूँ इसी से। तो बस ये इस तरह से मैंने घर में ही तैयार कर लिया था, ऐसे ही छोटा सा बना लिया था केक। आई होप अच्छा बना। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो गाइस करके हेलो करो दुनिया में सब आ गई हूँ मैं दिखाओ दुनिया में क्या हो बताओ आज तुम्हारी मम्मी का क्या है हैप्पी बर्थडे टू यू जी केक शेक है तो फिर खिलाओ जी तेरी मम्मी बुड्ढी होती रहे क्या बोला था क्या केक तो ये केक नहीं तुम्हें बना कितना स्पॉन्जी खिलाया था मैंने ओ बोलो यहाँ बात करो कस के करो लेकिन धीरे धीरे नहीं कस के करो कस के बोलो ऐसे करियो अस्सलाम वालेकुम तो कह दो मेरी मम्मी की बर्थडे की खुशी में मेरी फुप्पो बिरयानी बना रही है बिरयानी बताओ चिकन बिरयानी तो आप सब खाने आ जाइए बातें करिए आप तो यहाँ पर देखिए काम चल रहा है बिरयानी की तैयारी हो रही है यही तो कुछ ये भगवाने में पानी की तैयारियां कर रही है और इंटरनेशनल पाइप से पानी भर रही है इस बिरयानी का ये देखिए गाइस आपके घरों में ऐसा पाइप होगा कभी नहीं किसी के यहाँ नहीं होगा तो मेरे ब्लॉग में इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी फिलहाल अभी हमारी बिरयानी का प्रिपरेशन तैयार है तो हम लोग यहाँ बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं एक बिरयानी के पीछे तीन तीन लोग लगे हुए हैं तो सोचिए मैं क्या काम कर रही हूँ कुछ भी नहीं नथिंग सो कीप वॉचिंग आज का व्लॉग आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग